सियापति रामचंद्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो खाटू श्याम जी की जय। बोलो खाटू श्याम जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। असुर निकंदन हनुमान की जय। जय मेहंदीपुर धाम की जय। वीर बजरंग हर हर महादेव। बोले वीर बजरंगे हर हर महादेव। जग जग के दरबार की जय। करा चंडी मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। आज आप आए हैं रुद्रवशी ब्रदर्स के घर पे आए हैं और सम्मानित भी किया है, तो क्या इनवाइट करने हैं? हमारे सारे सहायक वेलफेयर ट्रस्ट के साथी राजेंद्र सिंह चौहान जी, सीए सुनील शर्मा जी, रणदीप जी, अनिल जी और रिक्की जी और छोटे बच्चे, हम सब यहाँ पर रघुवंशी ब्रदर को सम्मानित करने के लिए आए थे। बुक तो हमने पहले ही कर लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामूहिक हनुमान चालीसा एवं चंडी माता जागरण 29 अक्टूबर को हटली मोड़ में होने जा रहा है। आप सब कठुआवासी वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 19 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक हनुमान चालीसा का नित प्रतिदिन पाठ वहां पर पंडाल में होता है, और इस बीच हम 11,000 हनुमान चालीसा की किताब अपने शहर और गांव-गांव में जाकर बांटेंगे। युवाओं को ये आग्रह करें कि हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसा से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हनुमान चालीसा पढ़कर हम कोई भी काम जो है हमें संभव नहीं लगेगा। हनुमान चालीसा के पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमारी किताब में सब कुछ छपा हुआ है। अगले शनिवार से हम इस किताब को विमोचन करेंगे और गांव-गांव शहर-शहर जाकर लोगों से ये आग्रह करेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़िए, धर्म का प्रचार करिए, सनातन धर्म को आगे ले जाइए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे हो इसको हम लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और 29 अक्टूबर को हमारे 40 दिन होंगे। उस दिन हम जहाँ जहाँ भी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा वहाँ से हर एक टोली एक जगह पर एकत्रित होगी, हटली मोड़ में एकत्रित होगी। फिर वहाँ पर एक सामूहिक 10,000 से 15,000 लोगों का हनुमान चालीसा का एकत्रित होकर पाठ किया जाएगा, और वहाँ से सनातन धर्म का प्रचार किया जाएगा, हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, ये हमारी कल्पना है। इसी के साथ हनुमान चालीसा खत्म होने के उपरांत वहाँ से आगे माँ चंडी का गुणगान शुरू किया जाएगा, वहाँ पर जागरण होगा जिसमें मेरे दो छोटे भाई रघुवंशी ब्रदर, हमने उनको न्योता दिया था, आज हमने हमारी ट्रस्ट की तरफ से उनको सम्मानित किया है। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये हमारे कठुआ में आएंगे और धूमधाम से लोगों का दिल जीत कर जाएंगे। और मैं इन्हें ये आशा दिलाता हूँ कि आप एक बार कठुआ आइए, आपको बार बार कठुआ वाले बुलाएंगे और बहुत प्यार देंगे। इसी के साथ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कठुआ की जनता से ये आग्रह करता हूँ 29 अक्टूबर ठीक 9 बजे आप हटली मोड़ चौक में पहुंचकर हनुमान चालीसा का गुणगान करें, माँ चंडी का गुणगान करें। और इन 40 दिनों के दौरान राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कौन से साधु मंत महात्मा उस राम कथा में उपस्थित होंगे, और इसी 40 दिनों में ये सारा कार्यक्रम जो है कठुआ में हटली मोड़ में किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा हमारा देश हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। जय श्री राधे जय श्री श्याम जय श्री बालाजी महाराज और जय माता दी। हम वंशी बदर और हम आ रहे हैं 29 अक्टूबर को सामूहिक हनुमान चालीसा और चंडी माता का कीर्तन करने। कहाँ पर? हटली मोड़ नियर शिवाजी जिम, अपना जिला कठुआ। आप सभी साधु संत जरूर आइए, हम माता रानी को भी रिझाएंगे, बालाजी महाराज को भी रिझाएंगे और बाबा श्याम को भी रिझाएंगे। हम तो खुद नाचेंगे भी, भक्तों को रिझाएंगे और बालाजी महाराज को भी प्रसन्न करेंगे। आप सभी साधु संत जरूर आइए, आना ना भूलिए 29 अक्टूबर को। जय माता दी जय माता दी। 29 अक्टूबर को सहायक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं हम सभी कठुआ वासियों को ये सूचित किया जाता है एवं आमंत्रित भी किया जाता है कि 29 अक्टूबर को जे एक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं चंडी माता जी का जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे गेस्ट होंगे जदुवंशी ब्रदर्स जी, वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, वो आपको अपने भजन कीर्तन से गदगद कर देंगे, आनंदित कर देंगे।
और आप सभी से यही आग्रह है कि 29 अक्टूबर को जरूर 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 पधारें। जय श्री राम।